हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानकारी लेंगे डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स की। देखो, ये जो कैप्सूल्स है वो मार्केट के अंदर डॉक्स्ड एसएल और डॉक्सी 1LDR4 इन दोनों फॉर्म में आती है। इनके अंदर जो कंटेंट होता है वो है डॉक्सीसाइक्लिन जो कि 100 mg होता है और लैक्टोबैसिलस जिनके 5 billion स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो डॉक्स्ड एसएल कैप्सूल है उसे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड बनाती है और इनकी प्राइस 100 rupees है। और जो डॉक्सी 1LDR4 ये जो कैप्सूल है इसे यूएसवी लिमिटेड कंपनी बनाती है, उनकी प्राइस 95 rupees है। देन यूजेस क्या है डॉक्सीसाइक्लिन के? देखो, डॉक्सीसाइक्लिन ये हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए देते हैं और ये डॉक्सीसाइक्लिन चेस्ट इन्फेक्शंस, देन स्किन इन्फेक्शंस के अंदर एक्ने ट्रीटमेंट के लिए भी ये डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है। देन डेंटल इन्फेक्शंस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं उनके अंदर ये डॉक्सीसाइक्लिन कंटेनिंग जो कैप्सूल्स होती है वो दी जाती है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? देखो, ये जो डॉक्सीसाइक्लिन कंटेनिंग कैप्सूल्स है इनके अंदर डॉक्सीसाइक्लिन के साथ लैक्टोबैसिलस भी प्रेजेंट होता है। डॉक्सीसाइक्लिन ये एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। जो लैक्टोबैसिलस है वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरियाज का बैलेंस मेंटेन करते हैं। कभी कभी एंटीबायोटिक के यूज के वजह से जो गुड बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है वो कम हो जाती है, तो उनका बैलेंस मेंटेन करने के लिए लैक्टोबैसिलस इन कैप्सूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। देन डोसेस कैसे लेनी है? देखो, ये टैबलेट यदि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर को कंसल्ट करके यदि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप ये टैबलेट ले सकते हो और इस टैबलेट को आपको खाना खाने के बाद लेना है। देन आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं? देखो, यदि आपको ये कैप्सूल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया है तो आपको उसके कोई डोज स्किप नहीं करने हैं, फुल कोर्स ट्रीटमेंट आपको कंप्लीट करनी है। क्योंकि यदि आप ये कैप्सूल लेना अर्ली स्टॉप कर देते हो तो उसके वजह से री इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और उस री इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत हार्ड होता है। देन यदि आपके बॉडी के ऊपर रैशेस आ जाती है, देन इची स्किन आपको लगती है, देन आपके फेस पर या तो माउथ के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और इस टैबलेट को लेना स्टॉप करना है। देन यदि आप प्रेग्नेंट या तो ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हो तो पहले आपको डॉक्टर को बताना है और उसके बाद आप ये कैप्सूल ले सकते हो। तो ये सब प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। देन कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है? देखो, इस कैप्सूल्स के वजह से डायरिया, देन नोजिया, ओमेटिंग, देन स्टमक पेन और फोटोसेंसिटिविटी, ये सब साइड इफेक्ट्स दिखते हैं। और जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो डायरिया है, इसलिए आपको ये टैबलेट डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद लेना है। तो ये सब जानकारी है डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल की। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू गाइज़।